तालिबान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रखा है, नियंत्रित कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल खतरनाक तरीके से, जैसे एक आतंकवादी लोग होते हैं उसी हिसाब से इसे कंट्रोल कर लिया है। और अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्तियों को वापस बुला लिया है। मतलब क्या हो क्या रहा है ये मतलब क्या चल रहा है? तालिबान एक्चुअल में है क्या? ये तालिबान करना क्या चाहता है? तालिबान ने अफगानिस्तान को किस हिसाब से पकड़ लिया और अमेरिका ने उसी टाइम पर अपने सैन्य को वापस कर लिया? क्या मामला है ये? और सबसे इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भाग भी गए, मतलब भाग गए, मजाक ही हो गया, मतलब देश का राष्ट्रपति भाग गया। ये सब क्यों हो रहा है? तालिबान क्या है? तालिबान कहाँ से जन्मा? तालिबान एक्चुअल में किसने बनाया? और अफगानिस्तान के लोग कर क्या रहे हैं? अपनी देशभक्ति प्रकट ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? कैसे हो रहा है? और अमेरिका क्या कर रहा है? महासभा, जो हमारी संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, वो क्या कर रही है? और इंडिया, हमारी इंडिया इस तालिबान के बारे में क्या कह रही है, क्यों कह रही है, क्या हो क्या रहा है? तालिबान से हमारी इंडिया को क्या प्रॉब्लम होने वाली है? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ बने रहना है, हमारे साथ पूरे वीडियो में रहना है। मैं इसी वीडियो में आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, जो आप सोच रहे हैं, जो आप जानना चाह रहे हैं तालिबान के बारे में। तालिबान एक्चुअल में आया कहाँ से, कैसे क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, कौन इसके अध्यक्ष हैं, कौन क्या है, ये सब कुछ, हर एक पॉइंट मैं क्लियर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बने रहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल फ्यूचर। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? आपको मैं अगर एक एक लाइन बताना चाहूँ तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका तालिबान ने क्या किया? इन्होंने अपने अफगानिस्तान पर, अपना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि कुछ और है, मैं आगे इसे क्लियर करूँगा, फिर भी आप समझिए, इस पर हमला किया। 70,000 सैनिक, अप्रॉक्सीमेट 70,000 सैनिकों ने लगभग चार करोड़ की जनसंख्या को गिरफ्त में ले लिया। और मजाक समझिए क्या हुआ, वहाँ का सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च मतलब हमारे क्या, अफगानिस्तान के महामहिम कह सकते हैं, महामहिम अशरफ गनी फरार हो गए, मतलब भाग गए। क्या मतलब है इसका? अपनी जनता को छोड़कर वो फरार हो गए, समझ रहे हैं? मतलब क्या हो क्या रहा है? तालिबान ने ऐसा क्या कर दिया? तालिबान ने किस हिसाब से मामला सेट किया है ये समझिए। वो भाग गए, भाग कर कहाँ गए? ओमान, तजाकिस्तान या सऊदी अरब, अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, फिर भी अप्रॉक्सीमेट अगर सोचे हम लोग तो तजाकिस्तान से वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं, ऐसी सूचना मिली है। ओमान जाने चाह रहे थे, ओमान में उन्हें उनके प्लेन को रोकने, मतलब उतरने नहीं दिया गया, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि अशरफ गनी कैसे क्या किया अपनी जनता के साथ में। और दूसरा ये भी तो है ना कि अफगानिस्तान की जनता जब खुद के लिए सपोर्ट में खड़ी नहीं, 4 करोड़ लोग और 70,000 सैनिकों का मुकाबला ना कर सके तो क्या मामला है? सोचिए, अगर 1 करोड़ भी आदमी सोच ले कि इनको गिरा मारना है तो ऐसी की तैसी कर देंगे वो लोग, पर वही है, क्या कर सकते हैं, ये तो एक सोच है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो सोचने की बात है कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तालिबान है क्या एक्चुअल में? तो तालिबान की अगर मैं बात करूँ तो इसकी पुराने, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमको, पीछे जाना पड़ेगा कितना, 1990 तक। 1990 में जाएंगे तो 1990 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब इसका उदय हुआ था ये कह सकते हैं। उदय होने के बाद में, जो उदय हुआ उसके 4 साल बाद दक्षिणी अफगानिस्तान में, दक्षिणी अफगानिस्तान, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी, ये उत्तर, ये दक्षिणी, मतलब इस साइड में, ठीक है। यहाँ पर तालिबान ने अपना क्या कहते हैं, बीज स्टार्ट किया, बोना, ठीक है। तालिबान का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत ही क्वेश्चन है अच्छा सा, कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं तालिबान होता क्या है? तालिबान का मतलब होता है जो बच्चे मदरसे में अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, मदरसे में जो बच्चे अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान प्राप्ति को ही हम लोग तालिब कहते हैं। तालिब जो है पास्ते भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है विद्यार्थी, या ज्ञानार्थी,
किसी भी चीज़ का ज्ञान अर्जित करने वाला। पर इन लोगों ने इसका मतलब क्या बताया, इस्लाम का सर्वाधिक ज्ञाता, सर्वाधिक ज्ञाता। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि तालिबान का सबसे पहले इसको स्टार्ट किसने किया, ठीक है, उमरुल्ला ने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो इन्होंने कब से स्टार्ट किया, तो 1996 से लेकर के 2001 तक, 1996 से लेकर के 2001 तक उमरुल्ला ने इसको भरपूर तरीके से, इस आतंकवादी संगठन को भरपूर तरीके से, खतरनाक रूप से, खतरनाक तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया, ठीक है। इस्टेब्लिश करने के बाद में क्या हुआ, वो इतना सातिर इंसान था कि उसने अपने सिर्फ 2 या 3 साल के कार्यकाल में ही, 3 साल के कार्यकाल में ही अफगानिस्तान पर पहले ही कब्जा कर लिया। सोचिए 1999 की बात कर रहा हूँ मैं, 2096, फिर 3 साल, फिर 99, 1999 पे पहले, मतलब इससे 2021 से पहले भी अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में आ चुका था, ठीक है। तो 2001 तक उमरुल्ला ने इसे अपने हाथों में रखा, तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने हाथों में रखा। सोचिए पहले से था, फिर एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि तालिबान के हाथों से अफगानिस्तान निकल गया। अब आप खुद सोचिए, जिसकी मुर्गी हाथ से निकल जाएगी उसका क्या होगा, वो क्या करेगा, वो तो क्या कहते ना, एक कहावत है बिल्ली वाली, आपको याद होगी, खिसियान बिलैया खंभा नोचे, कहावत सुनी ना आपने। तो वही कहावत यहाँ पर लागू हो गई कि ऐसा क्या हुआ कि तालिबान, जो तालिबान है उसने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। तो भैया कोई छोड़ता नहीं है, ये समझ लीजिए कोई किसी को नहीं छोड़ता, जिसके पास माल पानी आएगा वो क्यों छोड़ेगा। सोचिए जैसे आपके पास कुछ माल पानी आने लगे तो आप इसे क्यों छोड़ेंगे। माल पानी का मतलब ये है कि अफगानिस्तान में खतरनाक तरीके से अफीम की खेती होती है, ठीक है। अफीम की खेती का मतलब पैसा, इलीगल पैसा आएगा तो प्रोग्रेस ऊपर, खतरनाक प्रोसेस मतलब खतरनाक प्रोग्रेस हो रही होगी। अगर खतरनाक प्रोग्रेस होगी तो फिर कैसे क्या काम चलेगा। मामला यहीं से स्टार्ट होता है। जब 2001 आता है तो अमेरिका में, 2001 अमेरिका में न्यूयॉर्क है, सभी को पता है न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक हमला होता है, ठीक है, एक हमला होता है 11 सितंबर को। वो हमला कराता है कौन, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ने इतना खतरनाक हमला कर दिया, सोचिए अमेरिका पर, मतलब विश्व के चाचा के ऊपर हमला, मजाक हो गया, विश्व के चाचा के ऊपर अगर कोई हमला करा दे तो क्या होगा। तो बात सोचने वाली थी, ओसामा बिन ने हमला कर दिया भैया, छीछा लेदर कर दी उन्होंने। करने के बाद में क्या हुआ, करने के बाद में ये हुआ, अमेरिका ने कहा भैया तालिबान और अफगानिस्तान, मुझे आप सराफत से बतौर ईमानदारी ओसामा को दे दीजिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो तालिबान ने कहा भैया हेलो एक्सक्यूज़ मी, पहले आप जांच दिखाइए सर, जांच पन्ना दिखाइए, कहाँ है आपकी जांच की, ओसामा ने कराया है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अभी मिलते हैं आपसे। फिर अमेरिका ने क्या किया, नाटो के साथ में मिलके, नाटो मतलब आपका, नाटो होता है एक संगठन, खतरनाक संगठन, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशंस दोबारा ना बने इसलिए इसको बनाया गया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, है ना, ये इसका है। तो अब हालांकि इससे ज़्यादा मतलब नहीं हमें, फिर भी समझते रहिए आप, है ना। तो इसका एक्चुअल में हुआ क्या, तो इसके साथ में अमेरिका ने एक समझौता बनाया और अपनी सेना को अफगानिस्तान में भेजना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही सेना जाना स्टार्ट हुई, वैसे ही तालिबान और अफगानिस्तान की ऐसी की तैसी होना स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद में जो वहाँ के लोकल नेता थे, अफगानिस्तान और तालिबान के जो लोकल नेता थे, जो तालिबान की जनता के साथ में थे, जनता से लगे हुए थे, जो जनता के प्रिय थे, उन्होंने थोड़ा बहुत अमेरिका का हेल्प किया। हेल्प करने के बाद में क्या हुआ कि 1 से 2 साल के अंदर ही वहाँ से तालिबान का सूपड़ा साफ हो गया, मामला ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद में 2004 में वहाँ पर सभी लोगों की सहमति से एक चुनाव पारित किया गया। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वैसा ही चुनाव वहाँ पे लागू किया गया, ठीक है। ये तो आपका हो गया चुनाव तक की बात, 2004 तक की बात।
2004 में जब चुनाव हो गया, चुनाव के बाद क्या हुआ? चुनाव के बाद में आपके हामिद करजई जीत गए, ठीक है, हामिद करजई जीत गए। जीतने के बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2004 से लेकर के 2014 तक वहाँ अफगानिस्तान में अपनी बहुत ही शांत प्रिय तरीके से शासन किया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा था। अमेरिका का जितना भी सैन्य संगठन था सब वहीं लगभग लगभग वहीं पर था कि उसको सपोर्ट कर रहा था। पर समझिए, यहाँ पर भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि सोचिए आप, 2003 से 2001 से लेकर के 2014 तक अगर वहाँ पर अमेरिका के सैनिक रुके हुए हैं, अगर अमेरिका के सैनिक रुके हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि तालिबान क्या कर रहा था? तालिबान परेशान था। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से तो उसकी मुर्गी निकल गई। अगर मुर्गी निकल गई सोने देने वाली, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अंडे कहाँ से आएंगे? अब अंडे ना आने की वजह से वो और खुखार हो गया। जब और वो खुखार हो जाएगा तो और प्रॉब्लम करेगा। तो ये यहाँ तक हो गया इतना। उसके बाद में जब हामिद करजई इलेक्शन हार गए 2014 में, तो हमारे यही महामहिम, महा क्या कहें, महाघंटा लाल ऐसे कह सकते हैं, तो महाघंटा लाल जो आपके हैं, अशरफ गनी, उनका खेल आ गया नाम में। अब वो एक नंबर के टप्पेबाज थे। तो उन्होंने क्या किया, 2014 में उन्होंने सत्ता प्राप्त की। सत्ता प्राप्त करने के बाद में चालू भ्रष्टाचार, क्या नाटक है, भ्रष्टाचार चालू हो गया, आतंकवाद स्टार्ट हो गया, अमेरिका के सैनिक मारे जाने लगे। जैसे ही अमेरिका के सैनिक मारे जाने लगे, वैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो तब तक 2019 में इलेक्शन में आ गया अमेरिका का। अमेरिका के इलेक्शन की वजह से वहाँ पर जो बाइडेन और ट्रंप ने सीधे सीधे बोल दिया कि भैया हमारे अमेरिकी सैनिक जो भी वहाँ पर रुके हुए वो क्यों मारे जाएँ। वहाँ के लोगों से प्रॉमिस किया कि जैसे ही अगर जो भी सत्ता में आएंगे, मतलब जो बाइडेन ने कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम सारे के सारे जो भी सैनिक अफगानिस्तान में हैं उन्हें हम वापस ले लेंगे, ठीक है। वो सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद उन्होंने यही काम किया, ठीक है, चलो ये कर लिया, ओके। और उन्होंने सैनिकों को वापस बुलाना स्टार्ट किया। अब बस यहीं से मामला स्टार्ट हो जाता है। जैसे उन्होंने सैनिकों को बुलाना वापस किया, सैनिकों को बुलाने से पहले क्या किया सोचिए? सैनिकों को बुलाने से पहले एक दोहा कतर में होती है बेहतरीन मीटिंग, किसकी किसकी मीटिंग? तालिबान, नाटो, अमेरिका, तीनों लोग की मीटिंग होती है। और इसकी भनक ना अफगानिस्तान को थी ही नहीं, क्योंकि उनको तो अफीम खाने से फुर्सत ही नहीं है। अफीम खा रहे हैं पड़े, कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। क्या मतलब है अशरफ गनी को? क्या वो भी अपना मजे ले रहे थे, अफीम खा के वो भी अपना सो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। फिर क्या हुआ, वहां पर हुआ एक बेहतरीन मीटिंग। मीटिंग में क्या हुआ, 2 फरवरी 2020 को मीटिंग हुई। मीटिंग में ये तय हुआ कि तालिबान, आप सुन लीजिए कान खोल के, अगर आपने हमारे नाटो और हमारे अमेरिकी सैनिकों पर कोई भी हमला किया तो आपका मामला और सूपड़ा दोनों हम साफ कर देंगे सर, कुछ ना हो पाएगा, आप ये समझ लीजिए। उन्होंने कहा ओके, अगर आप हमारे सैनिकों पर हमला नहीं करेंगे तो हम आप पर जो भी आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं उन सबको रोक देंगे, उन सभी को रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, ये मामला इधर सेट हो गया, इधर डील हो गई भैया, अमेरिका ने डील कर ली, क्योंकि उसको अपने सैनिक प्यारे थे। अब उसने क्या किया, अपने सैनिकों को बुलाना वापस कर दिया। जैसे जैसे उसने बुलाना स्टार्ट किया, वैसे वैसे तालिबान अफगानिस्तान पे हावी होने लगा। जब ये हावी होने लगा तो अफगानिस्तान ने सोचा कि क्या करूं भाई, अब तो ये तो गया है मामला है। तो वहाँ के जो भैया महामहिम थे उनका हो गया सामना, वो तुरंत निकल लिए, अपना हेलीकॉप्टर उठाया और चल दिए टिंडी करते हुए। हेलीकॉप्टर उठाने के बाद में वो पहुंचे ओमान। वहां पर ओमान में बोला गया भैया तुम्हारी जगह ना है, निकल लो यहाँ से, ठीक है। तजाकिस्तान में भी यही हुआ, फिर सुनने में मिला है कि वो अभी सऊदी अरब में। तो ये संगठन इतनी जल्दी उसने पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, ठीक है, पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। सोचिए 70,000 लोगों ने, और अब वो अपना कानून लाने वाले हैं। अपना कानून मतलब आतंकवादी भी कानून बनाएंगे क्या यार, मजाक हो रहा है, आतंकवादियों का कानून हो रहा है। और वो कानून होने के बाद में कानून बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे, राष्ट्रपति की मीटिंग सभी के साथ होगी, उसमें इंडिया भी जाएगा, अमेरिका भी जाएगा, अमेरिका वाले भी कुछ बताएंगे और इंडिया वाले भी कुछ बताएंगे, मतलब सब अपना अपना ज्ञान देंगे। और आतंकवादी वाले लोग भी कहेंगे भैया मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सभी सुरक्षित हैं, ऐसा है वैसा है। ये वही तालिबान है जिसके पास में तालिबान का खुद का कानून है।
अब वो खुद का कानून कौन सा है? तो सरिया, सरिया कानून सुना होगा आपने। सरिया मतलब वो वाला सरिया नहीं, दूसरा सरिया है इनके पास, दूसरा वाला सरिया। तो सरिया कानून भैया बहुत अच्छा है कानून, है उनके हिसाब से इस्लामिक कट्टरपंथी फैला रहे खतरनाक तरीके से। तो सरिया कानून में क्या होगा? सरिया कानून में एक तरह से अगर हम ये कहें, सरिया कानून सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए विरोध में बनाया गया। ठीक है, क्या है वहाँ पर? सरिया कानून में मेल मेल पर्सन जो है, जो पुरुष है, उसकी दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल्स हमेशा बुरके में रहेंगी। ठीक है, उनका एक पार्ट भी नहीं दिखना चाहिए, चाहे वो पैर का अंगूठा ही क्यों ना हो। अगर पैर का अंगूठा दिख गया तो उनकी बैटिंग हो गई। ठीक है, ये बताओ क्या नाटक है यार, ये कुछ होता है क्या? और दूसरा, 10 साल के बाद में कोई भी लड़की पढ़ाई नहीं कर सकती, किसी भी कॉलेज नहीं जा सकती। उसके बाद भी समझिए, उसके बाद में ये है कि अगर कोई महिला अध्यापिका घर में बच्चों को पढ़ाती है, अपनी पुत्री को पढ़ाती है, और ये तालिबानियों को मालूम चल जाएगा तो वो उनका साथ क्या करेंगे? उनके साथ में वो खेला करेंगे। कौन सा खेला? उनके सामने ही, मतलब उनके जो मैम होंगी, वो जो पढ़ा रही होंगी, उनको, उनके बच्चों और उनके पति के सामने ही गोली मार दी जाएगी। ये इनका बढ़िया सा कानून है। और भैया अभी कहाँ, अभी रुक जाइए, अभी बहुत कानून है इनके। कानून आतंकवादियों के भी होते हैं, हम तो आज समझ में आया कि भैया ये वो कानून बनाओ थे का। तो दूसरा समझिए, महिलाएं काम नहीं कर सकती, घर में रजरबंद रहेंगी, बाहर अगर जाना है तो भी उनको किसी पुरुष के साथ जाना पड़ेगा, मतलब घर के मेंबर के साथ में, किसी और के साथ नहीं जा सकती। और सुनिए, अगर किसी महिला को कोई प्रॉब्लम होती है, या बुखार आ जाता है, या कोई भी दिक्कत है, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, तो उसे कोई मेल डॉक्टर नहीं अटेंड कर सकता, टच नहीं कर सकता। ठीक है, और भी दिक्कत, इससे बड़ी दिक्कत सुनिए पहले आप। इससे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई महिला जो है आपका, कोई भी महिला नर्स और डॉक्टर नहीं बन सकती। भाई बनेगी कैसे, जब 12 साल से या 10 साल के ऊपर आप बच्चे को पढ़ने ही नहीं देंगे तो बनेगी क्या, है ना? ये हो गया। और भी भैया कुछ अच्छी बात है, कुछ प्रेमी जोड़े जो है ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रेमी जोड़ों के लिए अच्छी बात ये है कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा भाग करके पकड़ा जाता है तो उसे बीच चौराहे पर पत्थर मार मार के, मार मार के, मार मार के उसकी मृत्यु करवा दी जाएगी। समझिए, तो आप समझ लीजिए आप इंडिया में रहते हैं कितने खुश नसीब हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आगे चलिए। इसके आगे ये भी है कि अगर कोई पुरुष चाहता है तो वो महिला को एक कमरे में बंद करके रख सकता है। वाह, क्या क्या कानून है, जबरदस्त आतंकवादियों का कानून, ओ माय गॉड। ठीक है, अब ये तो इनके कानून है, सरिया कानून ये लागू होंगे। ठीक है, ये लागू करेंगे, इन्होंने बोला है कि भैया हम राष्ट्रपति बनाएंगे अपना, और अपना राष्ट्र बनाने के बाद में ये कानून लागू होगा। किसी भी महिला और पुरुष जो अफगानिस्तान में रहते हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी महिलाओं को इक्वल रूप से काम करने के लिए मंजूरी प्रदान करेंगे। ठीक है, ये इतना इन लोगों का मामला है। अब जो है, हिब्दुल्ला जैसे लोग जो तालिबान के सरगने हैं, आतंकवादी हैं, वो लोग कानून बनाएंगे, मतलब मजाक की भी हद हो गई, कसम से क्या बताएं आप लोगों को कि इतनी ज़्यादा मजाक की बात मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुनी है। मेरे 50,000 साल पुराने इतिहास में, मेरे 50,000 साल पुराने इतिहास में मैंने पहली बार सुना है। चलिए कोई बात नहीं, तो देखते रहेंगे आगे क्या होता है, तो समय की गर्त में है, कौन राष्ट्रपति बनता है, कौन शासन कैसे क्या करता है। तो है, अब आते हैं अपने इंडिया के पक्ष में, इंडिया क्या सोच रहा है, क्या करेगा, क्यों करेगा। तो इंडिया ने सीधे सीधे बोल दिया है कि भैया हम तालिबान से कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई वार्ता नहीं करेंगे। हालांकि भारत ने अफगानिस्तान में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, सलमा डैम, सैतूत डैम उन्होंने ही बनवाया है, वहाँ पर लोकतंत्र का निर्माण भी लगभग लगभग उन्होंने कराने में हेल्प करी थी 2004 में। ठीक है, और ये सब होने के बाद में इंडिया पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ के लोग वापस आने हैं, और वहाँ से जो भी चीज़ें आती थी जैसे बादाम, अखरोट, काजू, ये सब महंगे हो जाएंगे, क्योंकि तालिबान ने सीधे सीधे इंडिया को बोल दिया है कि भैया आप हमारे मामले में आए तो आपके लिए अच्छा ना होगा,
ठीक है। तो इंडिया ने अभी इसका कोई रिस्पांस नहीं दिया है, बाकी कंट्रियों ने भी कुछ रिस्पांस दिया है, कुछ कहा है, वो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही हंसी हंसी वाली बातें। जैसे विश्व के चाचा ने ये कहा है, विश्व के चाचा ने ये कहा है कि हम तालिबान का समर्थन नहीं करते हैं अफगानिस्तान में राज्य करने के लिए। पाकिस्तान चाचा इमरान भैया जो अपने हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम तालिबान को बधाई देते हैं कि उन्होंने सरकार बना ली। यही काम चाइना भी कर रहा है, यही काम चाइना कर रहा है कि भैया आपका स्वागत है, आपने अफगानिस्तान में शासन कर लिया। कनाडा ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है भैया, हमारा कोई मतलब नहीं। बाकी जो भी है, से संयुक्त राष्ट्र महासभा एंटोनियो गुटारेस, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ में हमारी पूरी हमदर्दी है, हम चाहते हैं और हम तालिबान से आग्रह कर रहे हैं। ये लोग बताओ, आतंकवादियों से आग्रह किया जा रहा है आजकल, अब बताओ इंडिया, बताओ वर्ल्ड का होगा क्या? आग्रह करते हैं कि वहाँ के लोगों को सेफ्टी और हिंसक प्रवृत्तियों में ना लिया जाए, या हिंसा उनके साथ में ना करी जाए। अब क्या कहा जाए बताइए। अमेरिका हर बार कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे हर चीज़ में प्रॉब्लम्स हो जाती। ऐसा क्यों हुआ? अफगानिस्तान के लोग अपने देश के लिए क्यों खड़े नहीं हुए? ये सारे के सारी प्रॉब्लम्स उनके अंदर हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि तालिबान से अमेरिका को ऐसा कौन सा साझा करना था, ऐसा कौन सा सेटलमेंट करना था कि उन्होंने और नाटो ने और तालिबान ने आपस में मिलकर के डील कर ली, ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसे तो बहुत ज्ञान देते हैं वो लोग, ठीक है ओके। और इंडिया पर अफगानिस्तान और तालिबान की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और क्या होने वाला है, ये तो समय की गर्त में है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि अगर ये तालिबान ने सत्ता हासिल कर ली सही तरीके से, तो आगे इस्लामिक कट्टरवादिता जो है वो क्या रूप लेगी, आप ये खुद समझ सकते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर। जो लोग कहते हैं ना कि यार बहुत बेकार है, ये है वो है ऐसा, भैया आपसे निवेदन है कि आप कुछ दिन गुजारिए अफगानिस्तान में, फिर बताइए, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं कि जो लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं वो लोग उड़ते हुए वायुयान से, हवाई जहाज से टपक रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्राइसिस है वहाँ पर। तो आप समझ सकते होंगे कि सारी प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं। और वहाँ के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो इधर उधर भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं आगे, और उनको देख करके जो और भी इस्लामिक कट्टरपंथिता फैली हुई है उसका इम्पैक्ट क्या क्या होने वाला है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा धीमे धीमे, और सब कुछ समय की गर्त में है। बाकी आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, वर्ल्ड में क्या होगा, तालिबान और क्या करेगा, क्योंकि आतंकवाद का कोई भी रूप या कोई भी सच्चाई नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा और झूठ होता है। तो बाकी चीज़ें जो भी बची हैं कि भारत में तालिबान क्या करेगा, पाकिस्तान के साथ में क्या करने वाला, जो पाकिस्तान लड़ाई कर रहा ना अभी, इसके साथ क्या होने वाला है खुद ही नहीं पता है। आसपास के जितने भी एरिया हैं, जैसे ये दिए हुए हैं तुर्किस्तान उबिस्तान, ये सब दिए हुए हैं पाकिस्तान, इंडिया, इसके बाद चाइना, तो क्या प्लान है तालिबान का, तालिबान क्या प्लान कर रहा है? तो उसने कुछ बड़ा प्लान किया होगा, ठीक है। हर चीज़ जो तालिबान कर रहा है वो गलत है, पर फिर भी सब लोग चुप हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो आप ये समझ लीजिए, हर चीज़ प्रॉब्लम में है, भारत भी प्रॉब्लम में है, अफगानिस्तान तो प्रॉब्लम में है ही। वहाँ के लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, और जो चीज़ें जो न्यूज़ निकल निकल के आ रही हैं उनके लिए तो कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं चाहूँगा कि उनके लिए भगवान उनकी सेफ्टी करे, सही से हर तरीके से उनकी हेल्प करे और वो सही रहे। फिर आगे जो भी फैक्ट्स हैं, आपको जो भी पूछना है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दें, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें, हर कमेंट का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।